हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अनुभव है कि किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के स्टॉक के इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। तो कल के दिन मार्केट ने बड़ा जबरदस्त गिरावट दिखाया। निफ्टी की बात करें तो अपने उच्चतम स्तर, मतलब कल की ऊंचाई से 188 पॉइंट टूटा। सेंसेक्स जो है 500 से ऊपर पॉइंट टूटा, और इस गिरावट को लेकर के मार्केट में एक पैनिक माहौल। लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी करेक्शन आ रही है, लोग घबरा गए हैं। मेरा अपना मानना है मित्रों कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह वॉरेन बफेट का बहुत पुराना कोट है और यह पूर्णतया सत्य है। शॉर्ट टर्म में मार्केट के दिशा को निर्धारित नहीं किया जा सकता, कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मार्केट की जो उतार और चढ़ाव है, जो वोलेटिलिटी है, इसका मूल स्वभाव है। कभी भी मार्केट एक दिशा में नहीं जाएगा। जिस वक्त एक दिशा में चलना शुरू हो गया, एक चीज समझ लीजिए कि मार्केट में बोरियत आने लगी। मार्केट की खूबसूरती है मार्केट का ऊपर होना, फिर नीचे आना, करेक्शन होना स्वभाव है। हम इसको जितना ही जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। स्वीकार कर लेने से तस्वीर नहीं बदल जाएगी, लेकिन यह होता है नियम को जान लेने से, समझ लेने से खेल आसान हो जाता है। तो यदि हम मार्केट की वोलेटिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आसानी से मार्केट में टिकते हैं, समझते हैं मार्केट। तो हमें तैयार रहना चाहिए, करेक्शन दे तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज हमको याद रखना चाहिए मित्रों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट बुल फेज में चल रहा होता है, जैसे इस समय दौर चल रहा होता है, तो साल में आपको 3 बार ऐसे मौके मिल जाते हैं, आसानी से, बेहद आसानी से मिल जाते हैं, जब मार्केट अपने उच्चतम स्तर से 5-7% नीचे टूटता है। और यदि अब बात करते हैं कि एक बिग करेक्शन, जिसको मार्केट अपने उच्चतम स्तर से 40% 50% टूट जाए, तो वो जो है 10 सालों में 3 या 4 बार मौके मिलते हैं। जैसे अभी आपको कोरोना काल में मौका मिला, इसके पहले आप चले जाइए तो 2013-14 में, 2018 में भी थोड़े बहुत मौके मिले, उसके पहले चले जाइए तो 2008-09 में मौके मिले थे। यानी यदि आप बिग करेक्शन को देखेंगे, बिग करेक्शन की मार्केट अपने उच्चतम स्तर से 40% 50% करेक्शन जब टूटे, तो वो करेक्शन आपको 10 सालों में 2 या 3 बार मिले, 3 बार मार्केट, 3 या 4 बार मार्केट, यानी 3 सालों पे एक बार ऐसा करेक्शन आता है। कोरोना काल में आया था 2020 में, अभी मुझे नहीं लग रहा कि अभी जल्दी आएगा। और मार्केट के हम दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते। और एक और बड़ी चीज कि हमको इन्वेस्टमेंट कभी भी मार्केट के मूवमेंट के आधार पर नहीं करना चाहिए। हमें नियमित रूप से, मेरा अपना मत है कि हमारे पास जब पैसा हो तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब हमें पैसे की जरूरत हो तब हमें निकालना चाहिए। तो सबसे इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हमारे पास पैसा हो, और बेचने का समय कब होता है, जब हमें पैसे की जरूरत, जब घर में कोई ऐसी जरूरत आन पड़े, जब हमें पैसा निकालना पड़े, पैसे की जरूरत हो, तब हमें बेचना चाहिए। उससे पहले बिकवाली नहीं करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट लगातार करते, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत महीने का एक छोटा सा बजट डिसाइड कर लीजिए, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 500 रुपया हो, चाहे 50,000 रुपया हो, और नियमित रूप से उनको इन्वेस्टमेंट करने करते रहिए। आप देखेंगे आसानी से मार्केट को बीट करेंगे, आप बढ़िया रिटर्न होगा। हमें मार्केट की टाइमिंग को बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करनी, हमें मार्केट में करना क्या है, मार्केट में सफलता के लिए हमको करना क्या है। पहला काम जो होता है स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए, हमको नॉलेज होना चाहिए अच्छे बिजनेस को पहचानने की, कि अच्छे बिजनेस को हम कैसे पहचाने, बिजनेस कितने सालों ग्रो करेगा, उस बिजनेस पर बिजनेस की ब्रांड वैल्यू कैसी है, उस बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, क्या उस बिजनेस में ऐसी क्षमता है जो आने वाले 15-20 साल तक सस्टेन कर सकता है, क्या उस मैनेजमेंट में इतनी काबिलियत है कि इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। हमें पहली काबिलियत डिपेंड, मतलब हमको विकसित करना है कि हम कैसे किस तरह से अच्छे स्टॉक को पहचाने मार्केट। जिस वक्त हम अच्छे स्टॉक को पहचानना सीख गए,
हम 50% से अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं, 50% अधिक सफलता प्राप्त। वो एक दिन में नहीं आता है। अच्छा स्टॉक चुनना, अच्छा बिजनेस चुनना एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम लगातार मार्केट में टिके रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार करते रहे, तो एक दिन हम जरूर सीख लेंगे अच्छे बिजनेस को। अभी क्या स्थिति होती है, जहां हम स्टॉक खरीदते हैं वहीं से नीचे जाना शुरू करता है, और जहां हम बेचते हैं वहीं से मार्केट, वो जो पर्टिकुलर स्टॉक होता है, ऊपर जाना शुरू करता है। लेकिन जब आप मार्केट में समय देंगे, सीखेंगे, तो आप मार्केट के एक एक मूवमेंट को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि मार्केट में सीखे कि कोई स्टॉक अच्छा है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा बिजनेस कैसे चिन्हित किया जाए। दूसरा जो हमको आपको करना है, आपको बड़े मार्केट मतलब बड़ी मात्रा में खरीदने का हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। जैसे हम कोई बिजनेस अच्छा चिन्हित तो कर ले, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी साहस है कि हम बड़ी मात्रा में उसको खरीद सकते। अच्छे बिजनेस हम चिन्हित करते हैं लेकिन छोटा सा पैसा लगाते हैं, हम चाहते हैं कि पोर्टफोलियो का 2% 3% लगाते हैं। और वही यदि आप पोर्टफोलियो का लंबा हिस्सा उसमें लगाते हैं तो अच्छा बिजनेस होता है तो लॉन्ग टर्म में और ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत जबरदस्त गेन दिखाता है। बिजनेस चिन्हित करिए, उसको पहचानिए और बड़ी मात्रा में उसको खरीदने का साहस दिखाइए, इन्वेस्टमेंट करिए बड़ी मात्रा। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा रिवार्ड उतना ही बड़ा मिलेगा अच्छे बिजनेस का। और तीसरा जो हमको करना है, उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का धैर्य होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि धैर्य के बिना स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। धैर्य का होना बहुत जरूरी, क्योंकि जहां से हम मार्केट में एंट्री मारते हैं हो सकता हो कि वो स्टॉक या वो मार्केट वहां से 50% करेक्शन दे, कोई नहीं जानता है मार्केट की दिशा को, कोई नहीं जानता है। तो यदि बिजनेस अच्छा है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, स्टॉक अच्छा है, तो एक न एक दिन वो मूवमेंट देगा आपको, एक समय बाद वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, हमेशा आपको अच्छा मुनाफा देगा, डिविडेंड अच्छा देगा। हमें होल्ड करने का धैर्य रखना चाहिए इस स्टॉक को। और यदि वो स्टॉक नीचे जाता है 50% मान लीजिए करेक्शन हो गया, जैसे अच्छे बिजनेस की हम बात करते हैं, पीआई इंडस्ट्री को ले लीजिए, पीआई इंडस्ट्री की बात करिए तो जुबिलेंट फूड को ले लीजिए, माइंडट्री को ले लीजिए, टेक्निकल सर्विसेज एलएनटी टेक्निकल सर्विसेज को ले लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड को ले लीजिए, सीडीएसएल को ले लीजिए, बीएससी को ले लीजिए, जितने अच्छे बिजनेस हैं, यदि अपने हाई से नीचे करेक्शन होता है 20% 25%, तो प्रयास यह करिए यदि अपने पास पैसा हो तो उस पैसे को और उसमें लगा, क्योंकि यदि इस तरह से हमको 20-22% का सीएजीआर मिलेगा और यदि करेक्शन पे हम उस स्टॉक को और खरीदते हैं तो मान के चलिए कि 4-5% और एक्स्ट्रा हम सीएजीआर डेवलप कर सकते हैं। तो हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो चौथा हमको क्या करना है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। उसके बाद हमको समय देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने समय अपने आप होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है ना, वो अपने आप काम करता है। इतना बड़ा रिवार्ड देते हैं जिसके बारे में पूछ सकते हैं, वो कहते हैं ना कि समय को भी समय चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में धैर्य रखिए, अच्छे बिजनेस को चिन्हित करिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। मार्केट को यदि टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म मूवमेंट के आधार पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग से हम बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं, ये तय है, आप इसको आजमा लीजिएगा। किसी भी अच्छे स्टॉक को उठा लीजिए, कोई भी मार्केट में, हम उसको बार बार टर्नओवर करते हैं, हमको लगता है कि 10% 12% ट्रेडिंग में कमा लिए, 20% 25% कमा लिए, फायदा कमा रहे हैं। यदि वो उसको उस स्टॉक को 4-5 साल होल्ड करेंगे ना, उस स्टॉक को पाएंगे कि 200-300% से ऊपर का रिटर्न प्राप्त हो गया, तो वो जो होता है वो ट्रेडिंग के कई गुना रिटर्न हमको मिल जाता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।